ग्रेट, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। मजा आएगा यहाँ। कल मिलते हैं। कौन हो तुम? अमन कहाँ है? अमन की मौत हो गई है और अब तेरी बारी है। क्या अमन? तूने ही उकसाया था ना अमन को। तुम आजकल के लड़कों को बहुत शौक है ना चैलेंजेस का। बहुत हिम्मत है ना तुम लोगों में। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या चाहते हो तुम? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। ये जीत कहाँ रह गया? इतना लेट क्यों कर रहा है? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। फोन भी नहीं लग रहा है। मैं खुद उसके घर जाता हूँ। मैं अमन को खो चुका हूँ, अब जीत को नहीं खो सकता। जीत, जीत कहाँ है तू? जीत, ये तो घर में ही नहीं है। इसका मतलब जीत निकल गया था घर से। और अमन, मतलब पोरूफ। हेलो, आई एम सॉरी जीत, मैं तुझे नहीं बचा पाया। बच तो तू भी नहीं पाएगा, क्योंकि अब अगली बारी तेरी है। कौन है? जैद, क्या आप हो? अब मैं ऐसे नहीं रह सकता। आई नीड टू फाइट, लेकिन मैं क्या करूं? आदित्य? हाँ, अब मेरी हेल्प आदित्य ही कर सकता है। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, मुझसे बच नहीं पाएगा तू। जो तेरे दोस्तों के साथ हुआ, वही तेरे साथ भी होगा। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस्तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, जय श्री राम, जय बजरंग बली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हनुमान जी, आपने मुझे आज बचा लिया। तो अब वो आत्मा तेरे पीछे पड़ी है और तेरी जान लेना चाहता है। हाँ भाई, मैं घर में ये सब किसी को नहीं बताना चाहता, इसलिए तेरे पास आया, cuz I know कि तू ही मेरी हेल्प कर सकता है। अब वीर, मैं तेरी हेल्प डेफिनेटली करूंगा, जितना मेरे से हो पाए मैं करूंगा। बट तुझे तो पता है ना कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, ना ही मैं कोई पंडित हूँ। आई नो, बट तुझे तो इन सब के बारे में काफी नॉलेज है ना। तू तो इन्वेस्टिगेट करता रहता है ना। देख भाई, मुझे पता है वो मेरी जान लेना चाहता है, पर मैं बिना उससे फाइट की मर गया तो मरने के बाद भी मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगी। अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। पर हमें उससे बचने के लिए पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होगी। हिस्ट्री? शमशान घाट में तो रोज बहुत सारी लाशों को जलाया जाता है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वो किसकी आत्मा है और क्या हिस्ट्री है? पर तूने वो रिकॉर्डिंग ठीक से देखी? वहां जो था उसका चेहरा जला हुआ था और उसके हाथ में लैंप थी। दैट मीन्स उसकी मौत जल्दी हुई थी, और हो सकता है वो वहीं आसपास रहता हो या फिर शमशान घाट का कैटेगर हो। मैं अभी अपने असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने भेजता हूँ। वीर, मेरा शक सही निकला। वो उस शमशान घाट का कैटेगर ही था जिसकी मौत जलने के कारण हुई थी। लेकिन उसने जीत और अमन को क्यों मारा? मेरे फैसले उसका क्या बिगाड़ा था? उस कैदीकर का नाम श्याम था। श्याम एक गरीब आदमी था जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो हमेशा ही अकेले रहता था। शमशान घाट के ही एरिया में उसका छोटा सा घर था। एक दिन हमारे ही एज के कुछ ओवर स्मार्ट बंदे शमशान घाट में दारू पीने लगे। जब श्याम ने उन्हें रोका तो वो नहीं माने और श्याम को ही धमकी देने लगे। तब श्याम ने अपने घर आकर पुलिस को फोन कर दिया।
पर जब वो घर से निकलने ही वाला था तब उसने देखा कि उसके घर के चारों ओर आग लग चुकी है। उन लड़कों ने श्याम के घर को आग लगा दी थी और बेचारे श्याम की उसमें जलकर मौत हो गई। उसके बाद पुलिस आई पर वो लड़के तब तक भाग चुके थे। फिर उन लड़कों का क्या हुआ? श्याम की आत्मा उन तक नहीं पहुंची? फिर कुछ ही दिनों में उन लड़कों की भी भयानक मौत हो गई, लेकिन श्याम की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। आज भी कोई शमशान घाट में जाए तो श्याम की आत्मा उन्हें नहीं छोड़ती, इसलिए वहाँ शाम होते ही पूरा एरिया खाली हो जाता है। लोग उस एरिया के आसपास भी नहीं घूमती। पर अब हम क्या करें? श्याम की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? श्याम की मौत के बाद उसका अस्थि विसर्जन और रिचुअल्स नहीं हुई क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं है। तो अब हमें उसका अस्थि विसर्जन और रिचुअल्स करना है। हाँ, पर ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी मौत 20 साल पहले हुई थी। और उसकी अस्थियाँ कहाँ मिलेगी अब? मतलब अब मेरे बचने की कोई चांसेस नहीं है? नहीं भाई, जहाँ सब कुछ फेल हो जाता है वहाँ एक ही शक्ति काम आती है और वो है भगवान की शक्ति। तो ठीक कह रहा है भाई, हम श्याम का सामना करेंगे और उसे समझाएंगे। तो खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गया। बहुत शौक है न मरने का, लगता है अपने दोस्तों के पास जाने की बहुत जल्दी है तुझे। वीर, याद रखना ये हनुमान जी का कवच हमारे साथ है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे दोस्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों ली तुमने उनकी जान? तुम जैसे ही लड़कों की वजह से 20 साल पहले मेरी मौत हुई थी। देखिए श्याम जी, हमें सब पता चला आपके बारे में, लेकिन उन लड़कों को उनकी गलती की सजा मिल चुकी है। वो लड़के मर चुके हैं पर उन जैसे कई लोग होते हैं आज भी, मैं उनको कभी नहीं छोड़ता। देखिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हमसे गलती हो गई। गलती? तुम लोगों के इन्हीं गलतियों के वजह से लोगों की मौत हो जाती है और तुम इसे गलती कहते हो? बस गलती? देखिए, इसे इसकी गलती की सजा मिल चुकी है, ये अपने दोस्तों को खो चुका है जिसे ये जिंदगी भर नहीं भूलेगा। अब आप बदले की भावना भूल जाइए ताकि आपको भी मुक्ति मिले। मुक्ति नहीं, बदला चाहिए मुझे। जय बजरंग बली। वीर, जल्दी से गंगा जल लाओ, हमें इनकी अस्थियां नहीं मिली इसलिए पूरे घर पर ही गंगा जल छिड़कनी होगी। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। नहीं, श्याम की आत्मा को शांति मिले भगवान, और अमन और जीत की भी। वीर, आज भले ही अमन और जीत नहीं रहे पर उन्हें इंसाफ मिला, वो दोनों यह सब देखकर बहुत खुश होंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।